तो आज मैं आप लोगों को मार्क्सिंग ऐड करना सिखाऊंगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल अपलोड किया था, उसमें भी आपको मार्क्सिंग के बारे में बताया था, बट फिर भी मैं ये वाला ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ। आप बोलो क्यों? मुझे क्या पता? क्योंकि आज मैं आपको मार्क्सिंग के मदद से ब्लू टोन को ऐड करना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी आ रहा है विंटर का सीजन, तो इसमें ब्लू टोन ज्यादा जचेगा। क्या बात कर रहे? तो इसीलिए मैं और मेरा कैमरामैन चीकू चले गए फोटो शूट करने। हमारे गाँव के पास एक प्यारा सा नदी है वहाँ पर, बट वहाँ पर अभी पानी नहीं है भाई। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटोज क्लिक किया, बट उसमें से एक फोटो अच्छा लगा, तो आज मैं आपको इस फोटो के अंदर एडिट करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये रॉ वाला फोटो चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए अभी ओपन कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, तो सिंपली आपको ग्लैरी पे टैप कर लेना है, देन तुम्हारा जो फोटो है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये ट्यूटोरियल एक्चुअली बिगिनर्स बंदों के लिए नहीं है, अगर आप बिगिनर्स हो तो बता देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इस वीडियो पे आपको रील्स पे जो कलर ग्रेडिंग किया जाता है, जो ट्रेनिंग में चल रहा है, उसी तरीके से मार्क्सिंग ऐड करना सिखाऊंगा। तो चलिए अभी मार्क्सिंग के ऊपर टैप कर लेते हैं, एंड मार्क्सिंग के ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में एक प्लस आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री टूल्स दिखाई देगा, ब्रश, लाइनर गार्डियन, रेडियल गार्डियन, एंड इसके मदद से हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग को करने वाले हैं, आई मीन मार्क्सिंग को। इसमें से जो लाइनर ग्रेडिएंट है एंड जो रेडियल ग्रेडिएंट है, ये ज्यादातर यूज होता है। तो सबसे पहले उस टूल के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्यादातर यूज होता है, व्हिच इज लाइनर ग्रेडिएंट। सिंपली इसके ऊपर टैप कर लेना है। इसके ऊपर टैप कर लेने के बाद आपको अपने स्किन पे टैप कर लेना है, एंड स्किन पे टैप करते ही आपको यहाँ पर इस तरीके से थ्री लाइन्स दिखाई देगा। जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये फेड होता जाएगा, आई मीन जो कलर ग्रेडिंग ऐड होगा वो बहुत स्मूथली ऐड होगा, वरना अगर आप यहाँ पर करके कलर ग्रेडिंग करोगे ना, तो जो यहाँ पर कलर का एंडिंग पार्ट रहेगा वो यहाँ पर स्मूथ नहीं रहेगा, एंड उससे कलर ग्रेडिंग बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखाई देता, तो मेक श्योर इसको आपको ऊपर की ओर रखना है। देन बात करते हैं मिडिल वाला टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पोजीशन को चेंज कर पाओगे, आई मीन मूव कर पाओगे अपना गार्डियन को। एंड इसका ही और एक काम है, वो है कि आप इसके ऊपर टैप करके इसको हाइड भी कर सकते हैं, तो अगर आप पीरो रीडर्स हैं तो आप हाइड करके भी कर सकते हो। देन यहाँ पर जो नीचे देख पा रहे हो, ये भी एक्चुअली फेड का ही काम करता है, बट ये जो फेड है ना, वेट एक मिनट रुको गाइस, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो फेड है, ये एक्चुअली जो मिडिल लाइन है उसका ऊपर नहीं ऐड करेगा, लाइक देखो, देख पा रहे हो, मैं अगर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो जो हमारा ऊपर वाला लाइन है उसका नीचे से ही ऐड हो रहा है, बट अगर तुम इसको यहाँ पर ऊपर की ओर करोगे तो पूरा फोटो में यहाँ पर फेड ऐड होगा। तो अगर आपको पूरा स्मूथ ऐड करना है तो मैं बोलूंगा आप इसको भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, एंड इसके मदद से आप अपना जो गार्डियन है उसको रोटेशन भी दे सकते हैं इजिली। आई थिंक आपको यहाँ पर थ्री लाइन समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले मैं जो गार्डियन यहाँ पर ऐड किया है इसको मैं नीचे में सेट करूंगा, तो नीचे में सेट करने के लिए सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर टैप करना ऊपर में, एंड यहाँ पर इस तरीके से कर देना है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आपको नीचे इस तरीके से ऐड कर देना है, क्योंकि नीचे से हम एक विग्नेट देने वाले हैं ब्लैक कलर का, तो सिंपली यहाँ पर टैप कर लेना है लाइट पे, एंड यहाँ पर जो एक्सपोजर उसको कर देना कम। देन जो नीचे ब्लैक्स देख पा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा सा। देन आपको यहाँ पर राइट कवर कर देना है टैप। तो मैं आपको इस वीडियो में बोला कि इस वीडियो में मैं ब्लू टोन देने वाला हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा कलर ग्रेडिंग के टूल्स में। तो सबसे पहले हमको इस वीडियो को कन्वर्ट करना है विंटर में, आई मीन थोड़ा सा फॉग वगैरह ऐड करना है, तो इसके लिए हम अगेन मैक्सिम पे जाएंगे, एंड अगेन प्लस साइन पे जाएंगे, सेम आपको लाइनर गार्डियन पे टैप कर लेना है, देन आपको स्काई में टैप कर लेना है। अगर आपका फोटो में स्काई पार्ट नहीं रहता है फिर भी आप इसको ऐड कर देना, ओके। एंड जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा उसको थोड़ा सा मैं ऊपर को लेकर जाऊंगा फेड करने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर ऊपर में फॉग ऐड करना है, तो इसके लिए आपको जाना है इफेक्ट्स में, एंड जो टेक्सचर रहेगा उसको पूरा कर देना माइनस, एंड जो क्लैरिटी रहेगा उसको कर देना माइनस। देखोगे इसको माइनस कर देने से फोटो में एक सॉफ्ट ग्लो ऐड हो जाएगा। देन जाना है आपको लाइट पे, एंड लाइट पे जो एक्सपोजर रहेगा उसको कर देना इंक्रीज। जब आप इस पे एडिटिंग करेंगे तो जो फॉग है वो आपको नजर आएगा। देन आपको सिंपली कर देना राइट के ऊपर टैप, बाकी आपको इसको अपने हिसाब से अप्लाई करना है ताकि अपना फोटो में अच्छा रिजल्ट आए, वरना काफी सारे लोग क्या करते हैं सेम टू सेम मेरा सेटिंग कर देगा एंड बोलेगा कि भाई मेरे फोटो में रिजल्ट नहीं आया। तो सिंपली अगेन जाएगा मार्क्सिंग पे, एंड मार्क्सिंग में जाने के बाद अगेन जाएंगे प्लस साइन पे, एंड अभी बात करते हैं रेडियल गार्डन के बारे में, एंड ये भी एक मोस्ट यूज्ड टूल्स है। तो सिंपली इसको भी आपको स्क्रीन पे कहीं पर टैप कर लेना है, देन इस तरीके से राउंडेड सा आएगा, तो इसका ऊपर एंड लेफ्ट राइट साइड में दोनों पॉइंट दिखाई देगा, इसके मदद से आप अपना हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं जैसे लाइक इतना तक रखूंगा, एंड जो बीच में पॉइंट देख पा रहा हूं उसके ऊपर होल्ड करके आपको यहां पर इसको मूव कर देना है, एंड जो यहाँ पर पानी देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा फॉग ऐड करने वाला हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करूंगा, बट फिर भी ये हमारा सब्जेक्ट की ओर चला जा रहा है, आई मीन जो रेड का पार्ट है वो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ओनली ऑन जो गार्डियन है वो बैकग्राउंड पर ही ऐड हो, हमारा सब्जेक्ट पे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको प्लस माइनस आइकन पर टैप कर लेना, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मार्क्स पे क्लिक कर लेना, एंड यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना है।
देख पा रहे हैं नीचे डिटेक्टिंग सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये जब भी कम्प्लीट हो जाएगा तो तब आप यहाँ पर इजीली इसको कर सकते हो। देन अगर आपको यहाँ पर टैप कर लेना है तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वहाँ पर अभी भी ऐड नहीं होगा, अभी देख पा रहे हैं। तो मैं जो आपको बोला कि मैं यहाँ पर फॉग ऐड करने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जो एक्सपोजर है उसको ऐड कर दूंगा। देन जाऊंगा इसका इफेक्ट्स में, तो अगर मैं टेक्सचर को थोड़ा सा पर माइनस करूंगा, थोड़ा सा नहीं अप्रोक्स 47 तक। तो अभी हमारे वीडियो में काफी हद तक फॉग ऐड हो चुका है जो विंटर में आता है। तो सिंपली अभी आपको कर देना राइट कवर टैप, देन उसके बाद अगेन मास्किंग पे जाना है एंड अगेन आपको प्लस साइन पे टैप कर लेना है। देन यहाँ पर आता है ब्रश, तो जो ब्रश का यूज है वो ज्यादा यूज नहीं होता है। ब्रश की मदद से आप किसी भी इंडिविजुअल जगह पे इसको ऐड कर पाएंगे। लाइक देखो अगर मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे मुझे कलर ऐड करना है, तो सिंपली आपको वहां पर उंगली से ड्रॉ करना है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड रेड आ रहा है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर रेड आ जाएगा, देन उसके बाद बाकी यहाँ पर कलर ग्रेडिंग एडजस्ट कर पाओगे इजिली। तो मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि इसको ऐड करूँ, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसको ऐड करना है, वो भी इजी है। तो सिंपली इसको कर देंगे टैप एंड यहाँ पर क्लिक करके कर देंगे डिलीट। अगेन जाएंगे हम प्लस सेकंड पे एंड यहाँ पर और एक लाइनर गार्डन ऐड करेंगे। देन उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ ओनली तुम्हारा बैकग्राउंड पर ही ऐड करना है, तो इसके लिए प्लस माइनस सेकंड पे टैप कर लेना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना है। देन अगेन यहाँ पर टैप कर लेना है एंड जो यहाँ पर लाइट है थोड़ा सा आपको कम करना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया लाइट। देन आपको राइट कवर टैप कर देना है। तो हमारा मास्किंग करना कम्प्लीट हो चुका है, अभी जाना है एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद अभी आपको ब्लू टोन ऐड करना है, तो सिंपली जाना है कलर पे, ग्रेडिंग पे टैप कर लेना है। देन आपको यहाँ पर थ्री टूल्स दिखाई देगा, एक शेडो, एक मिड टोन्स एंड एक हाईलाइट्स। तो सिंपली आपको शेडो पे चले आना है एंड शेडो पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। तो यहाँ पर इसका ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस का जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको जो यहाँ पर राउंडेड वाला दिख पा रहे हो, इसको आपको लेके आना है अपना ब्लू टोन पे, ब्लू कलर पे। ओके, एंड यहाँ पर ले आने के बाद अभी जो इसका सैचुरेशन रहेगा उसको आपको थोड़ा सा प्लस करके देखना है। देन यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा ब्लू टोन है वो यहाँ पर नीचे ऐड हो रहा है। आप बोलो नीचे क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर शेडो पे काम कर रहे हैं एंड हमारा शेडो वाला पार्ट वहाँ पर था जो नीचे बिगिनर था। देन जाना आपको मिड टोन्स पे एंड मिड टोन्स पे आपको अगेन जो ब्लू कलर है उसको ऐड कर देना है, बट इस टाइम आपको ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, अप्रोक्स 7 तक आपको इंक्रीज कर देना है। देन जाना आपको हाईलाइट्स पे एंड हाईलाइट पे आपको जो लाइट ग्रीन वाला है उसको ऐड करना है। हम यहाँ पर लाइट ग्रीन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरा फोटोज में ज्यादातर नेचर वाला क्लिप्स ही है, लाइक पेड़ पौधा ज्यादा है मेरा फोटो में, तो इसके लिए जो सैचुरेशन है इसको इंक्रीज करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्काई की ओर ही ऐड हो रहा है क्योंकि ये एक्चुअली हाईलाइट है इसीलिए, तो ये ओनली ऑन तुम्हारा हाईलाइट्स एरिया पर ही ऐड होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा जो ब्लू टोन है वो थोड़ा बहुत ऐड हो चुका है एंड उसके बाद आपको चले आना है टेम्परेचर में। अगर आप इसको माइनस करेंगे थोड़ा सा तो ये विंटर टोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेम्परेचर को -9 तक कर दिया। देन जाना है वाइब्रेंस पे एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। देन जाना है मिक्स पे एंड मिक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चार से कलर टूल बता रहे हैं जिसको आपको लिख के रख लेना है, व्हिच इज ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो ऑरेंज टोन बेसिकली तुम्हारा स्किन टोन होता है, अगर तुम काला हो तो थोड़ा बहुत इस सेटिंग को अप्लाई कर लेना, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेना है, देन जो ह्यू रहेगा थोड़ा सा प्लस कर लेना है, इससे तुम्हारा स्किन गोरा हो जाएगा एंड लड़की भी सेट हो जाएगा। अभी आप चाहते हो थोड़ा सा लाइट ऐड करना, तो इसमें जो लुमिनेंस दिख पा रहे हो इसको इंक्रीज करना है। देन आपको यहाँ पर चला जाना येलो कलर पे, तो येलो कलर बेसिकली हमारा जो ग्रास है घास है उस कलर का है, घास और जो पेड़ पौधा दिख पा रहे हैं उसका यहाँ पर काम करेगा शायद से, बट यहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारा यहाँ पर ज्यादातर ग्रीन ही है, तो इसके लिए हम ग्रीन पे जाएंगे एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर देंगे माइनस, ह्यू को थोड़ा सा करेंगे माइनस, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, देन सैचुरेशन को थोड़ा सा कर देंगे प्लस। तो अभी सही दिख रहा है। देन जाना है ब्लू पे एंड ब्लू पे आपको ह्यू को कर देना है माइनस थोड़ा सा, तो मैं इसको -19 तक कर दिया। देन जाना है सैचुरेशन पे एंड थोड़ा सा इसको कर देना प्लस, देन डन के ऊपर कर देना टैप। तो अभी हमारा कलर ग्रेडिंग ऐड हो चुका है, अभी आपको क्वालिटी देना है फोटो में, वरना जितना भी एडिटिंग करो ना वो बेकार है भाई। तो सिंपली आपको इफेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ पर जो टेक्सचर एंड क्लैरिटी देख पा रहे हो इन दोनों टूल्स के माध्यम से तुम अच्छा खासा क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो तुम्हारे फोटो में। तो टेक्सचर को आपको 10 का ऊपर रखना है एंड जो क्लैरिटी है उसको आपको 10 का आसपास ही रखना है, मतलब 20 का नीचे एंड 10 का ऊपर रखना है। देन जाना है बिगिनर पे एंड इसको यार ऐड करना ही करना है, जो अमाउंट है थोड़ा सा माइनस करना है एंड जो मिड पॉइंट है उसको आपको डिक्रीज करना ही करना है। देन जाना है आपको ग्रेन पे, ग्रेन को ऐड करने से तुम्हारा फोटो में डस्ट ऐड कर देगा जो कि तुम्हारा फोटो में क्वालिटी होल्ड करके रखता है। तो देखो अगर आप इसको अच्छा लगता है फिर यूज करना, वरना माइनस कर देना कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्वालिटी के लिए और एक टूल्स यूज करने वाले हैं। और जिस डिटेल्स में जाना है, देन आपको जाना है शार्पेंट पे एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो शार्पेंट को जब आप इंक्रीज कर दोगे ना, तुम्हारा फोटो में अगेन डस्ट ऐड हो जाएगा। तो जो शार्पेंट का डस्ट है वो एक्चुअली तुम्हारा फोटो का अंदर ऐड होगा एंड पिक्सल को होल्ड करके रखेगा, जिससे अगर तुम इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे भी ना तो अगर फटेगा भी तो दिखेगा नहीं। देख पा रहे हैं पहले कैसा था हमारा फोटो, कितना ज़्यादा डाल दिख रहा है एंड अभी देखो कितना ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है फोटो।
तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कन्वर्ट कर लेना टैप, सेव कॉपी टू डिवाइस पे टैप कर लेना, या फिर आपको एक्सपोर्ट पे टैप कर लेना है। एंड यहाँ पर जो 100 है यहाँ पर टैप कर लेना है, देन आपको यहाँ पर कर लेना है, तो फोटो तुम्हारा हाई स्कॉलर में सेव हो जाएगा। आई होप गाइस कि इस फोटो पे आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। बाकी अगर आप मार्केटिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को देखिए।